हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआईसी का जो एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसआईसी का जो नोटिफिकेशन है और जो साथ में प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। जो अगर अभी तक आपने जो हमारा वीडियो नहीं देखा कि हाउ टू लिंक आधार नंबर टू एसआईसी, जो हमारा आईपी नंबर उसे लिंक कैसे करना है, तो वही प्रोसेस है। वीडियो आपने ऑलरेडी उस पर बना रखा। अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। मैंने जितने भी अपडेट आती हैं आपको उससे पहले ही आपको वीडियो बना के आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया जाता है, जिस वजह से आपको जल्दी से अपडेट हो और अपना जो केवाईसी है वो टाइमली आप प्रोसेस कर पाओ और आपको जो बेनिफिट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो नहीं किया टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो तो आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिस वजह से आपको जो भी अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर ऐसे कोई आपसे बेनिफिट्स में अगर कुछ दे रहे हो, आपको इमरजेंसी अगर बेनिफिट लेना पड़ गए तो ये आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब चलते हैं हमारे जो प्रोसेस के बारे में, जो नोटिफिकेशन आया एसआईसी का उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एसआईसी का नोटिफिकेशन जो डेट है वो 25 मई 2023 है। तो इसमें जो भी आया कि इम्प्लीमेशन ऑफ आधार शेडिंग ऑफ इंश्योरेंस पर्सन यूजिंग आईपी पोर्टल और थ्रू दिया रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर यूजिंग एम्प्लॉयर पोर्टल रिगार्डिंग। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ये आधार लिंक है वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है और आप अपना भी खुद अपना जो है आधार लिंक कर सकते हैं। तो दोनों मैंने प्रोसेस बताई थी और इसमें यही प्रोसेस है कि पूरी रिक्वेस्ट अपडेट करना है कि कैसे कैसे अपडेट करना है, पूरा आगे हम वीडियो डिस्कस करेंगे जो एज ए प्रोसेस का फॉलो है। तो इसमें दो चीज़ें इसमें इन्होंने लिंक की है। आप अपना आधार कार्ड के साथ अपनी जो आयुष्मान भारत अकाउंट नंबर है वो भी आपका ऑटोमेटिक इसके थ्रू जनरेट हो जाएगा जब अपना आधार कार्ड लिंक करेगा। तो इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आपकी जो अपडेट करोगे तो वो रिक्वेस्ट अगर आप खुद करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपकी कंपनी के पास जाएगी। कंपनी अप्रूव करने के बाद में वो जाएगी डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस के पास। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट भी आ रहा था कि अगर एम्प्लॉयर के पास ही जाना तो ये अपडेट बेकार है। एक्चुअल में ये बेकार है, लेकिन कुछ समय जैसे अभी पीएफ के अंदर है, वेरीफाई करना मैंडेटरी है। अगर ये डायरेक्ट होता तो ये बहुत ही अच्छा होता, जिस वजह से एम्प्लॉय को प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें जो रिक्वेस्ट अप्रूव करने का टाइम उन्होंने दिया है वो विद इन 3 डेज का दिया गया। अगर 3 डेज को सभी जो ब्रांच ऑफिसर है उनको अप्रूव करना होगा, लेकिन बेसिकली प्रैक्टिस नहीं, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिस 3 दिन 5 दिन 10 दिन ले ही लेता है। अगर उनके पास नहीं जाते तब भी वो रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करता। तो आप अपना अगर ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, और जो वहाँ की जो प्रोसेस है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, इसके अलावा कोई भी और भी प्रोसेस है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जिस वजह से जो भी हमारे आईपी मेंबर है उनको टाइमली बेनिफिट मिल जाए। तो इसमें देखो, इसमें रिजोल्व द इश्यू रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ द डेमोग्राफिक डिटेल ऑफ डिस्पेंसरी विद इन 3 डेज पॉजिटिव एंड फैसिलिटी आधार शेडिंग ऑफ एम्प्लॉयर एट द ओन लेवल आल्सो। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो ये जो ब्रांच ऑफिस को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, लेकिन ये फॉलो करते नहीं करते, आप एक नोटिफिकेशन आपके पास होगा तो आपकी पूरी प्रोसेस के बारे में आपको पता होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब आप ये पूरा पीपीटी पे आप डाउनलोड कर सकते हो तो मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है आप कैसे अपडेट करना है कैसे नहीं करना। फिर भी हम डायरेक्ट आपको ये पीपीटी के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर आप पीपीटी के जो आप अगर आप एक आईपी मेंबर है तो आपको जाना 79 नंबर पेज, या आप हमारा पूरा जो इससे पहले जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आधार सेटिंग एंड एबीएचए जनरेशन फॉर एग्जिस्टिंग आईपी एंड डिपेंडेंस। तो जितने भी अगर आपका आधार लिंक नहीं किया अभी तक आपने एसआईसी, जो मैंने पहले वीडियो बनाया अभी, और आपने फैमिली मेंबर का, तो जल्दी से अपडेट करें, क्योंकि अब जो बेनिफिट है वो इसके माध्यम से ही मिलने वाला है। तो जो भी आपका क्लेम है या जो भी आपका रिइंबर्समेंट लेना है तो इसके बेसिस पे अभी आपको सब कुछ होने वाला है। तो जल्दी से अपडेट करें जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आए। हम फास्ट तरीके से अगर आपको इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हो वीडियो को, जिस वजह से आपका टाइम बचे और आप जल्दी से आप सीख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ओवरव्यू आधार शेडिंग एंड एबीएचए जनरेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो www.esic.go.in पे आपको जाना है। जाने के बाद में आपको जो इंश्योरेंस पर्सन इस पर क्लिक करना है, फिर आपका एसआईसी यूजर नेम, एसआईसी नंबर, फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो, फिर कैप्चर, फिर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन आधार सेटिंग फॉर आईपी एंड डिपेंडेंस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना, और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में जो भी अगर आपका देखो इसमें आपको डिटेल दिखाएगा कौन कौन आपकी फैमिली मेड है, जितने भी आप और आपकी फैमिली डिटेल वो पूरी यहाँ पे आपको शो होगी। फिर आपको यहाँ पे करना है क्लिक हियर फॉर आधार सेटिंग पे, आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास ऑप्शंस दिखाई देगा, इंटर योर आधार नंबर और वर्चुअल आईडी।
और इस पे आपको क्लिक कर देना, टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लेना, ये किस किस में यूज होगा, आपको क्या क्या कंडीशन है पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको अपना आधार नंबर स्क्रॉल डाउन करके पूरी जो इसमें नियम एंड शर्तें हैं, जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं सभी का वो पढ़ के फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर आपको जाना है यहाँ पर, अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालने के बाद में अगर गलत आधार नंबर है तो वो आपको यहीं पे दिखा देगा कि आपका आधार नंबर गलत है, फिर आपको सबमिट कर देना। फिर आपको व्यू डिटेल टर्म एंड कंडीशन इस पर एग्री वाले पे क्लिक करना, फिर गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद में आपको वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन और मांगेगा, ABHA डिक्लेरेशन। तो इसमें आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एड्रेस का भी इसमें जिक्र किया गया, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग माई एन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। तो अगर अभी तक आपने लिंक अकाउंट नंबर क्रिएट नहीं होगा तो वो इससे क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से जो ESIC और आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो दोनों मर्ज हुई हैं, जिस वजह से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका आयुष्मान भारत में आप कवर्ड हैं तो आप जो ESIC हॉस्पिटल में भी आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। फिर आपको टिक पे क्लिक कर देना, चेकबॉक्स पे, फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ABHA डिटेल जनरेट सक्सेसफुली आपको दिखा देगा, जो बहुत सारे दोस्त का मैसेज भी आता था कि हमें अपने UHID कैसे जनरेट करें, तो इसके माध्यम से आपके जनरेट हो जाएगी और ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है उसके माध्यम से आप अपना प्रोसेस कर सकते हो, और यही सेम प्रोसेस आप अपने फैमिली के लिए भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना अपडेट करोगे तो यहाँ पे आता है चेकबॉक्स पे क्लिक करके फिर आपको सेव करना, जिस वजह से आपका ABHA और वर्चुअल ID आपका दोनों नंबर जनरेट दिखा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिस वजह से आप अपनी KYC और अपनी फैमिली का आप अपने अपडेट कर पाओगे। और तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना आधार KYC और अपना ABHA अकाउंट नंबर जनरेट कर लें, जिस वजह से आगे जाके आपको जो बेनिफिट लो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं सभी ESIC की, अगर आप प्ले लिस्ट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, बेनिफिट कैसे लेना है, अपना ESIC कार्ड कैसे डाउनलोडिंग करना है, क्लेम रिइंबर्समेंट कैसे करना, तो मैंने सभी पे वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट